वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी फॉर्च्यून। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट ओडीआई मैच जो ही खेला जाएगा शारजा में, क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11, क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम, ग्रैंड लीग की क्या टीम्स रहने वाली है, सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। सो वेन्यू होने वाला है शारजा क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पर बहुत सारे मैचेस खेले गए हैं और बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस मिलती है यहाँ पे और स्पिनर्स को भी मदद रहती है। यहाँ पर 241 जो मुकाबले खेले गए हैं उसमें जो एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर रहा है वो 242 का रहा है, जो डिसेंट है क्योंकि ये मैचेस जो है काफ़ी पहले भी खेले जाते थे, तो उस हिसाब से 242 का जो स्कोर है वो डिसेंट यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर अगर हम रीसेंट मैचेस देखें तो अफगानिस्तान ने 236 बनाए थे, अफगानिस्तान ने ही 310 रन बनाए थे और यूएई ने यहाँ पर बनाए थे 184। और इन तीन मैचेस में विकेट्स अगर हम देखें तो 20 विकेट्स जो है फास्ट बॉलर्स ने निकाले थे और 26 विकेट्स निकाले थे स्पिनर्स ने, तो स्पिनर्स जो है गेम में आ सकते हैं पहले ही मैच से। अगर हम बात करें हेड टू हेड की तो दो मुकाबले हुए हैं और दोनों के दोनों जो हैं वो साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फैंटेसी फॉर्च्यून के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसी के थ्रू जुड़िएगा, सर्च करके मत जुड़ना क्योंकि फेक चैनल्स काफ़ी सारे हमारे नाम के। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बात करते हैं अफगानिस्तान टीम की, तो यहाँ से गुरबाज ओपन करेंगे रियाज हसन के साथ, रहमत शाह हैं, शहीदी हैं उमर जाय, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, राशिद खान, खरोटे, फैजल अकफारूकी और फरीद मलिक आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, सोरीजा हेंड्रिक्स ओपन करेंगे टोनी डेजोर्जी के साथ, टेम्बा बाउमा है, मार्क्रम, स्टब्स, वियान मुल्डर, फेकल वायो, फॉर्च्यून, यहाँ पर नांद्रे बर्गर, बार्टमैन और लुंगी एंगिडी आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की, सो अफगानिस्तान की तरफ से यहाँ पर गुरबाज ओपन करने वाले हैं रियाज हसन के साथ। गुरबाज की बात करें इस वेन्यू पे अच्छे नंबर है, दो मैच में 172 रन है और प्लस हेड टू हेड में एक मैच में 25 रन है, रीसेंट फॉर्म इनकी अच्छी रही है। अब ये ताबड़तोड़ खिलाड़ी है, वनडे फॉर्मेट में कितनी लंबी देर खेलेगा वो देखना है, लेकिन मुझे लगता है आपको स्टार्ट तो दे देगा प्लस आपको विकेट कीपिंग से भी कुछ पॉइंट्स देगा, तो स्मॉल लीग के लिए डिसेंट पिक आपके लिए बन जाती है। ग्रैंड लीग में आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर रियाज हसन जिनका सिलेक्शन बहुत कम होगा ओपन कर सकता है ये खिलाड़ी, 10 मैच में यहाँ पर 900 रन है और रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक रही है, उतनी कोई खास नहीं है, बट क्योंकि ओपन करता है अपने दिन पे अच्छा कर सकता है तो ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाते हैं इनके डिपेंडेबल खिलाड़ी रहमत शाह और शहीदी। अगर हम बात करें रहमत शाह की, दो मैच में हेड टू हेड 32 रन है, इस वेन्यू पे यहाँ पर अच्छे नंबर है, 11 में 440 रन है, रीसेंट फॉर्म भी इनकी ठीक ठाक रही है, तो एक आपके लिए अच्छा डिफरेंशियल पिक बन सकती है, स्मॉल लीग में कम लोग ट्राई करेंगे आपके लिए डिफरेंशियल पिक बन सकती है। शहीदी की बात करें तो दो मैच में हेड टू हेड में सिर्फ 10 ही रन है, लेकिन इस वेन्यू पे 7 मैच में 198 रन है, रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी रही है, 78 नाबाद, 71, 23, 51, तो ये एक आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं। आप चाहें अगर आप फेवर कर रहे हैं अफगानिस्तान के लिए तो ये दोनों बैटर इनके बेस्ट प्लेयर आप कह सकते हैं ओडीआई फॉर्मेट में, तो दोनों को भी ट्राई किया जा सकता है या फिर किसी एक को आप इनमें से कंसीडर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर उमर जाय आएंगे, हेड टू हेड में एक मैच में 97 रन है, दो मैच में इस वेन्यू पे 2 विकेट और 23 रन है, अब क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो रहेंगे, ये खिलाड़ी मस्ट हैव आपके लिए रहने वाला है क्योंकि बैटिंग हो या बॉलिंग हो आपको पॉइंट दे सकता है और कैप्टन वाइस कैप्टन की भी एक चॉइस बन जाते हैं। अगेन एक और खिलाड़ी मोहम्मद नबी जो सीनियर खिलाड़ी है जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि वनडे मैच है तो बैटिंग इनकी मुझे लगता है पूरी आ जानी चाहिए, प्लस आपको बॉलिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, सो इंपॉर्टेंट रहेंगे और ग्रैंड लीग में आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर गुलबदीन नायब आ जाएंगे जिनका रिसेंटली जो मैचेस हुए थे उसमें अच्छा किया था इन्होंने, बट वनडे फॉर्मेट में देखते हैं कैसा करते हैं। अगर आप 10-1 में खेल रहे हैं तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि एक अच्छा ऑलराउंडर है और आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है, सो 10-1 में आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है। फिर राशिद खान मस्ट हैव रहने वाले हैं, वेन्यू पे 11 मैच में 29 विकेट है, प्लस रिसेंट फॉर्म अच्छी रही है, विकेट्स निकाले हैं इन्होंने, तो इंपॉर्टेंट हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन की स्मॉल लीग के लिए बहुत अच्छी चॉइस बन जाते हैं। इस मैच में खरोटे हैं, रीसेंट फॉर्म देखें तो इतने अच्छे नहीं है, बट इस वेन्यू पे एक मैच में 4 विकेट है, प्लेयर में दम है, अच्छा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, विकेट निकालने की क्षमता रखता है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, सिलेक्शन 2-4% ही होने वाला है बट अच्छा करते हैं तो आपको पॉइंट्स लाकर दे सकते हैं और ग्रैंड लीग में आपकी रैंकिंग जो है वो काफ़ी अच्छी फिर हो सकती है। फैजल अकफारूकी दो मैच में इस वेन्यू पे 5 विकेट है और रिसेंटली बॉलिंग बहुत अच्छी करी है, रीसेंट फॉर्म देखें 0-5-5-1-1, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई किए जा सकते हैं, एक अच्छा विकल्प रहेंगे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। फरीद मलिक आएंगे,
17 मैच में 23 विकेट है। रीसेंट फॉर्म देखें, 2 विकेट 2 विकेट, 0-1-0 डेथ में आपको बॉलिंग करके दे सकता है। सो बॉलिंग फर्स्ट अगर आती है तो स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगे, बट ग्रैंड लीग में आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल टीम्स लगाते हैं तो। बेंच पे आपको काफ़ी प्लेयर्स दिख जाते हैं खेलते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग और डेथ ओवर की, तो स्टार्टिंग में आपको आप नज़र आ जाएंगे फैज़ल फारूकी और उमर ज़ाहिर, डेथ में आपको फारूकी और फरीद मलिक जो है नज़र आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से बेस्ट चॉइस कैप्टन की कौन होने वाली है, और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका की। सो रीज़ा हेंड्रिक्स ओपन करेंगे टोनी दे जोर्जी के साथ। अगर हम बात करें रीज़ा हेंड्रिक्स की, सो वनडे में रिसेंटली बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हैं, 9-44-4-39-17, लेकिन क्योंकि ये खिलाड़ी ओपन करता है तो आपके लिए एक सेफ विकल्प बन जाते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो स्मॉल लीग में, तो आप इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आप इनको ड्रॉप कर रहे हैं तो एक खिलाड़ी जिस पर रिस्क लिया जा सकता है वो है टोनी दे जोर्जी। ये खिलाड़ी ऐसा है जिसमें दम है बड़ी इनिंग्स खेलने का, और बड़ी इनिंग्स में आपको बड़े रन बनाकर दे सकते हैं। तो अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं या स्मॉल लीग में रिस्क लेना चाहते हैं तो टोनी दे जोर्जी आपके लिए एक अच्छी रिस्की पिक बन सकते हैं। ग्रैंड लीग में आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएंगे टेम्बा बाउमा, जिनके रीसेंट नंबर बहुत अच्छे नहीं हैं, तो ट्राई करना थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन बाउमा कभी कभी अच्छा कर जाता है 5-6 मैच में एक बार, बट स्मॉल लीग के लिए रिस्की है, ग्रैंड लीग में ट्राई किए जा सकते हैं। मार्करम इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि यूएई में मैचेस हैं, तो यहाँ पर आपको बॉलिंग भी करके दे सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे बैटिंग और प्लस बॉलिंग भी करके दे सकते हैं, तो आपके लिए स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन की भी एक अच्छी चॉइस बन जाते हैं। फिर यहाँ पर स्टब्स आएंगे जो आपको विकेट कीपिंग करते हुए भी नज़र आ सकते हैं, और बहुत अच्छी इनकी रीसेंट फॉर्म रही है, और वनडे मैच में मुझे लगता है अच्छा करेंगे। सो अगर साउथ अफ्रीका की पहले बैटिंग आती है फिर इनके डेथ में, मतलब यहाँ 35-40 ओवर तक इनकी बैटिंग आने के चांसेस मुझे नज़र आते हैं, तो ये अच्छा कर सकते हैं। सो बैटिंग पहले आती है साउथ अफ्रीका की तो यहाँ पर स्टब्स को ट्राई कर सकते हैं, अगर बाद में बैटिंग आती है तो फिर थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं। वियान मुल्डर है, रीसेंट फॉर्म देखे ठीक ठाक रही है, बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन ये ऑलराउंडर अच्छा है, आपको बैटिंग से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, बॉलिंग से भी विकेट निकाल के दे सकता है, तो स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्की रहेंगे, रिस्क लेना है तो ट्राई कर सकते हो, ऑलराउंडर अच्छा है, बट ग्रैंड लीग में ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, स्मॉल लीग में थोड़े रिस्की नज़र आते हैं। एंडले फेकलवायो मुझे मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 मैच में 3 विकेट हेड टू हेड में, ये बॉलिंग से आपको ज़्यादा अच्छा करके देते हैं, बैटिंग से जो देंगे वो बोनस है, तो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके लिए स्मॉल लीग में। फिर यहाँ पर फॉर्च्यून आ जाते हैं, 5 मैच में 6 विकेट हैं, ओवरऑल रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी तो नहीं रही है, लेकिन क्योंकि यूएई में मैचेस है स्पिनर को मदद मिल सकती है तो सरप्राइज कर सकता है खिलाड़ी, तो ग्रैंड लीग में ट्राई किए जा सकते हैं, स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगे। नांद्रे बर्गर रीसेंट फॉर्म देखें, 1-0-2-0-1 3 मैच में 5 विकेट है, अगेन फरकी राय को क्योंकि हम स्मॉल लीग में ट्राई नहीं कर सकते, कुछ अलग ट्राई करना है रिस्क लेना है तो इनको ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग में ज़्यादा बेटर ऑप्शन मुझे बार्टमैन नज़र आते हैं क्योंकि बार्टमैन जो है वो विकेट टेकिंग बॉलर है, रीसेंट फॉर्म देखें तो 1-1-2-1-3 तो मोस्टली मैचेज में विकेट्स मिले हैं इनको, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बन जाती है स्मॉल लीग में। फिर यहाँ पर आएंगे लुंगी एंगिडी, रीसेंट फॉर्म देखें तो 0-1-2-0-0 बहुत अच्छी फॉर्म नहीं रही है, लेकिन 1 मैच में 2 विकेट है, अब क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग करते हैं आपको वहाँ पर विकेट निकाल के दे सकते हैं, तो अगर पहले बॉलिंग आती है और साउथ अफ्रीका के फेवर में आप टीम बना रहे हो तो आप लुंगी एंगिडी को ट्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर डेथ पे, यहाँ पर आपको बेंच पे कुछ खिलाड़ी दिख जाते हैं खेलते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग और डेथ ओवर की, तो स्टार्टिंग में बर्गर और फॉर्च्यून नज़र आ जाएंगे, डेथ में आपको यहाँ पर बार्टमैन और लुंगी एंगिडी नज़र आ सकते हैं। स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो राशिद खान, मार्करम, उमर ज़ाहिर और गुरबाज को आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में बार्टमैन बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, बैटिंग पहले आती है तो स्टब्स को ट्राई कर सकते हैं, टोनी दे जोर्जी और यहाँ पर मोहम्मद नबी को आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। विनर प्रेडिक्शन की बात करें, मुझे लगता है क्लोज मैच हो सकता है क्योंकि अफगानिस्तान की टीम काफ़ी अच्छा कर रही है रीसेंट टाइम में, और यूएई में मैच है तो यहाँ पर अच्छा कर सकती है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा बेटर टीम जो वो नज़र आती है वो साउथ अफ्रीका की है, तो चांसेस हैं साउथ अफ्रीका ये वाला मैच विन कर सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। चलिए अब क्रिएट करते हैं अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग। टीम सेक्शन में दो ऑप्शन आ जाते हैं, गुरबाज हैं, स्टब्स हैं, मैंने दोनों को अपनी टीम में लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर स्टब्स को रिमूव कर सकते हैं, स्पेशली अगर साउथ अफ्रीका की बाद में बैटिंग आती है तो। बैटिंग सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर मैंने रीज़ा हेंड्रिक्स को ड्रॉप किया है, यहाँ पर मैंने लिया है
टोनी दे जोर्जी को उनकी जगह, आप चाहें तो रीजा हेंड्रिक्स को ट्राई कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने रहमत शाह को लिया है, तो ये दोनों खिलाड़ी जो हैं हमारी टीम में आ जाते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन है मार्करम, उमर जाय, मोहम्मद नबी, फेकल वायो और यहाँ पर गुलबदीन नायब हमारी टीम में आ जाते हैं। बॉलिंग सेक्शन से अगर हम बात करें, बॉलिंग सेक्शन से मैंने राशिद को लिया और बार्टमैन को लिया है। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए फैज़ल अक फारूकी को भी हम ट्राई कर सकते हैं, तो ये बन जाती है हमारी स्मॉल लीग की टीम। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, सो कैप्टन मैंने किया है राशिद खान को, वाइस कैप्टन मैंने किया है यहाँ पर मार्करम को, तो ये रहेगी हमारी स्मॉल लीग की टीम। बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रैंड लीग टीम्स की, सो टीम वन हमारी ये बन जाती है। टीम वन में हमने यहाँ पर राशिद को कैप्टन किया, उमर जाय को वाइस कैप्टन किया है। ये कॉम्बिनेशन आप 7-4 में भी लगा सकते हैं, सेम टीम बस वाइस कैप्टन उस केस में आप मार्करम को कर सकते हैं। टीम नंबर टू की अगर हम बात करें, तो मार्करम को कैप्टन किया है और उमर जाय को हमने वाइस कैप्टन किया है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ चलें, तो यहाँ पर राशिद खान को कैप्टन किया है और मोहम्मद नबी को वाइस कैप्टन किया है। एक और जो कॉम्बिनेशन आपके लिए क्रिएट किया है, उसमें हमने यहाँ पर मार्करम को कैप्टन किया और राशिद खान को वाइस कैप्टन किया हुआ है। तो आप इसी तरीके से मल्टीपल टीम्स कर सकते हैं और किसी एक प्लेयर को भी मल्टीपल टीम्स में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई है सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होने वाली है। साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।